नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेकी। हमारे देश ने कोरोना की पहली लहर का डटकर मुकाबला किया और उस पर जीत भी दर्ज की, लेकिन दूसरी लहर ने हर किसी को बेबस बना दिया है। पहले के अलग लक्षणों के साथ ही दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि संक्रमण अब संभलने का मौका भी नहीं दे रहा। लक्षण शुरू होते ही अस्पताल और ऑक्सीजन के साथ ही वेंटिलेटर तक पहुंचने में अब दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे लग रहे हैं। संक्रमण को 5% से 50% तक में भी पहुंचने में अब दिन नहीं लग रहे, सिर्फ कुछ घंटे ही लग रहे हैं। अब ऐसे में हमें इलाज की रफ्तार को कोरोना की रफ्तार से तेज करना होगा। इंतजार जानलेवा ना बने, इसलिए फौरन उपचार शुरू करना होगा। लक्षण दिखते ही दवाइयों की तरफ भागना होगा और टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार किए बिना ही इलाज शुरू करना होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट। साथ ही अगर कोरोना को लेकर आपके मन में भी कोई भ्रम है तो उसे भी दूर करेंगे क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। चलिए, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर निखिल चौधरी जो कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ हैं उदयपुर से सीनियर फिजिशियन रमेश जोशी जी। डॉक्टर, स्वागत है आप दोनों का। जी धन्यवाद। जी, हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट बताएंगे कि इस महामारी के दौर में हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम समझेंगे कि कोरोना काल में कैसे सांसों का ख्याल रखा जा सकता है, इलाज की रफ्तार को कैसे रोका जा सकता है। और इसी के लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सीधा बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01207153826, दूसरा नंबर है 01207153787। इन दोनों नंबर पर कॉल कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और सीधा हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर निखिल, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की हम लगातार बात कर रहे हैं और हमारे शो के जरिए कोशिश हम यही करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाए। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा क्योंकि अगर दूसरी लहर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ज्यादा घातक ये पिछली लहर से है। अगर किसी कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहा है तो उसे संभलने का समय नहीं मिल रहा, सीधे ICU पर या फिर वेंटिलेटर पर वो पहुंच रहा है, तो कैसे हम कम समय में रहते या फिर हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर एक सिम्टम्स कोरोना के दिख रहे हैं तो कैसे हम इसका इलाज फौरन तरीके से शुरू कर सकते हैं और कैसे क्या कुछ इसके बीच में हमें ध्यान रखने की जरूरत है? जी, बहुत सही बात कही आपने। ये जो सेकेंड वेव है इसके अंदर जो कोरोना वायरस है वो शायद पहले से म्यूटेशन हो चुकी है। इसमें जो डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस अभी भारत के अंदर फैल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा संक्रामक हो गया है। तो पहले के अनुपात में अगर किसी एक को होता है तो पहले शायद 2 या 3 लोगों को ही वो हो पा रहा था उससे, बट अब ये यहाँ तक देख रहे हैं कि 30-30 लोगों को वो मरीज संक्रमण दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। इन्फेक्टिविटी के साथ में जो दूसरी चीज़ होती है वो उसकी वेरुलेंस है, यानी अगर वो जो बॉडी में आ जाता है तो उसके बाद वो बॉडी के अंदर कितना नुकसान करता है। तो ये COVID-19 का जो प्रोबेबली सेकेंड वेव है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो वेरुलेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पहले अगर देखते थे कि शायद 1% लोगों से कम के अंदर मृत्यु दर था या फिर जो वेंटिलेटर पे जाने की संभावना वो शायद 5% से भी कम लोगों को होती थी क्रिटिकल बीमारी, वो जो क्रिटिकल बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है और बहुत कॉमन होने लगी है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत जल्दी डिटोरेट कर जाता है पेशेंट की, उसको ऑक्सीजन की अचानक से कमी हो जाती है। तो अभी भी मैं यही मानूंगा कि आप सब जो लोग बचे हुए हैं वो अभी भी SMS का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। और लक्षण जो आते हैं, लक्षण इसके अंदर अभी भी वही हैं, बुखार है, खांसी है और जुखाम है। तो ये जब भी होता है पेशेंट को तो तुरंत मैं देख रहा हूँ हमारे OPD में जो भी पेशेंट बुखार लेके आ रहे हैं वो, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ बट मेरे भी जो भी पेशेंट बुखार लेके आ रहे हैं वो सब कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अभी भारतवर्ष के अंदर बुखार का मैं समझ रहा हूँ सबसे मेन कारण सिर्फ COVID-19 है, इसीलिए बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, अपना टेस्ट जल्दी कराएं, तुरंत कराएं, जिससे कि एक बार आपका टेस्ट हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो उसके हम एहतियातन तौर पे कुछ जांचें कर लेते हैं। CBC है, CRP है, interleukin-6, फेरेटिन, LDH, D-dimer, ये 6 टेस्ट हैं जो कोविड पॉजिटिव होते ही एक पेशेंट अगर करवा ले तो हम उसके अंदर देखते हैं कि बॉडी के अंदर कितना डैमेज हो गया है, अकॉर्डिंगली उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, किस पेशेंट में CT स्कैन की ज़रूरत है ये डिसाइड कर सकते हैं, और एक बार CT में इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो हम बहुत जल्दी उसको ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं।
जी डॉक्टर रमेश आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जैसे डॉक्टर ने यहाँ पर बोला है कि कोई भी सिम्टम्स अगर आपके अंदर दिखते हैं तो जल्द से जल्द कोशिश ये कीजिए कि आप अपना टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि जब लोग अपनी जांच करवाते हैं और रिपोर्ट आने का वो इंतजार करते हैं तो थोड़ा बहुत इंतजार उन्हें करना पड़ता है क्योंकि RT-PCR की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, तो लोगों का ये भी सवाल है कि तब तक वो क्या कुछ कर सकते हैं, इलाज की शुरुआत खुद कैसे वो कर सकते हैं। जब तक RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो सैंपल देने वाले व्यक्ति हैं उनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने ही घर में। अपने घर के जो बाकी सदस्य हैं, चाहे वो बड़े बूढ़े हैं, चाहे बच्चे हैं या उनके पति पत्नी हैं, तो उनसे अपने आप को दूर कर लें और ऐसे कमरे में रखें जहाँ पर आपका सेपरेट टॉयलेट हो, और यही मानते हुए चलें कि आप कोविड पॉजिटिव है। जब तक कि आपकी रिपोर्ट कोविड नेगेटिव नहीं आ जाती, कोरोना नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक ये मान करके चलें, उसी अनुरूप व्यवहार करेंगे तो हम काफ़ी कुछ बचे हुए रहेंगे। और रिपोर्ट आने के बाद तो जितना फास्ट एक्शन लिया जाएगा उतना ही बचने में लाभदायक रहेगा। जी चलिए डॉक्टर साहब कॉलर्स को ले लेते हैं, कई कॉलर्स कई सवाल पूछना चाहते हैं आप दोनों से, उनको ले लेते हैं। जी क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? रोशनलाल शर्मा। जी रोशन जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम कि कोरोना के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? ठीक है रोशन जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट हैं आपके सवाल का जवाब देंगे। निखिल जी मैं चाहूंगी आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। तो कोरोना के जो प्रमुख लक्षण हैं उसके अंदर सबसे कॉमन लक्षण है बुखार, गला खराब होना और सूखी खांसी आना, तो ये बहुत सबसे कॉमन लक्षण देखे गए हैं। साथ में कुछ पेशेंट्स के अंदर नज़ला भी रहता है यानी नाक बहने लगती है, तो शुरुआती लक्षण ये मोस्ट कॉमनली देखे गए हैं। कुछ अलग लक्षण भी हैं जो हमारे फेफड़ों से अलग हैं या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं उससे अलग हैं, वो लक्षण हैं पेट खराब होना, तो जिसमें पेट दर्द होना या फिर दस्त लगना या उल्टी आना, तो ऐसे लक्षण भी स्पेशली सेकेंड वेव में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जो पेशेंट्स यंग हैं यानी बच्चों के अंदर या बहुत यंग जो 30 साल से कम हैं उनके अंदर ये पेट वाले सिम्टम ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बहुत वेरीड प्रेजेंटेशन है, कुछ लोगों के अंदर चक्कर भी मैंने देखा है, सिर्फ चक्कर के साथ वो आए हैं हॉस्पिटल में दिखाने और उनके अंदर भी कोविड टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया है, तो बहुत केयरफुल रहना है। बट मैं अभी भी यही बोलूँगा शुरुआती लक्षण यही है जो आपको ध्यान रखने हैं, बुखार, सर्दी लगना, खांसी आना और सांस की तकलीफ होना, तो अगर किसी को भी ये लक्षण है तो जरूर अपना कोविड टेस्ट कराएं। चलिए अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी क्या नाम है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैम नमस्कार। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर चौधरी साहब से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सवाल पूछिए। जी अभी अभी 18 दिन हो गए कोविड पॉजिटिव आए हुए पेशेंट को, तो उसमें उनको अभी लक्षण कुछ नहीं आ रहे हैं, दवाई ले ली, क्या उसकी दवाई आगे भी मैं चालू रखूं या आगे बंद कर दूं? डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरा सवाल है मेरा कि आज भी मोबाइल पे कुछ लोग हैं वो भ्रामक मैसेज छोड़ते हैं, तो डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि ज्यादा से ज्यादा आपके बात मानते हैं लोग गांव में, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप उनसे कोशिश करें कि आगे ये ऐसे मैसेज नहीं फैलाएं जिससे आदमी की मानसिक तनाव बढ़े। और जी ठीक है, हेलो जी डॉक्टर रमेश, आपने किया कि पेशेंट को ठीक हुए 18 दिन हो गए, सिम्टम आए 18 दिन। जी डॉक्टर निखिल कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पेशेंट ठीक हो गया है, अब उसको सिम्टम से चालू हुए 18 दिन हो गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए, क्या दवाइयां अभी भी जरूर रखनी है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि अब जैसे हम देख रहे हैं अभी भी ऐसा है कि 98-99% पेशेंट जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत डरें। जब भी एक बार हम 18 दिन कह देते हैं, 17 से 18 दिन एक बार जब हो जाते हैं तो पेशेंट संक्रमण भी नहीं कर पाता, तो यानी वो नॉर्मल मिलजुल सकता है, अपने परिवार वालों से मिल सकता है,
दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं या नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। गवर्नमेंट ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, दोबारा आरटीपीसीआर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम चालू होने से 17 दिन हो चुके हैं तब आप मिलजुल सकते हैं, अपने घर परिवार वालों से मिल सकते हैं, आरटीपीसीआर दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ में कोई और दवाइयों की जरूरत नहीं है आपको, आपने जो दवाइयाँ ले रहे थे वो अब आप स्टॉप कर सकते हैं। जरूर अगर किसी को सिम्टम है, सांस अभी भी फूल रहा है या खांसी चल रही है, तो वो अपने डॉक्टर से परामर्श लेके और आगे अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू कर सकता है, वो जरूर मैं बोलूँगा। बट ज़्यादातर पेशेंट्स को अब और कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, सिवाय वो अपना डाइट अच्छा रखें, योग वगैरह करते रहें, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सोशल मीडिया पे भ्रमित करने वाले मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, तो इस पे मैं यही गुजारिश करूँगा सबसे कि जो भी विश्वसनीय सूत्र है उसी की बात माने। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी मैसेज आया है तो वो सच हो, ज़रूर आप अपने डॉक्टर से आजकल ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन द्वारा भी परामर्श ले सकते हैं। दूसरी जो भ्रम वाली बात है, अब सरकार ने 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन चालू कर दिया, तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा सबसे कि आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर और ज़रूर कराएं, ये आपको भयंकर कोविड बीमारी से बचा सकता है। जी ठीक है, चलिए अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरा नाम मुकेश है। मतलब वैक्सीनेशन के बाद में जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनपे कंट्रोल जी, माफी चाहूंगी आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा तेज सवाल पूछेंगे आप? हाँ जी, वैक्सीनेशन हो गया, दोनों डोज लगी है, तो उसके बाद में भी अगर कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं तो टेस्ट करवाना है क्या? जी डॉक्टर रमेश जोशी जी, अगर किसी ने वैक्सीन ले रखा है या पहले किसी को अगर कोरोना हुआ है तब भी संभावना रहती है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन इतना घातक नहीं होगा कि वो बीमारी का रूप ले ले, या जो गंभीरता है वो गंभीरता बहुत ज़्यादा कम रहेगी। अतः मेरा इनसे यही कहना है कि इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं हो, दोबारा संक्रमण हो सकता है क्योंकि कई तरह की जो स्ट्रेंथ है, म्यूटेंट स्ट्रेंथ है, वो चल रही है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को फिट रखेगा, जो अपने आप को नियमित रूप से चेक कराता रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल चेक करता रहेगा, और जो सुबह शाम खुले में जाकर के लंबी लंबी सांस लेता रहेगा, और पोषक जो भोजन है, प्रोटीन युक्त जो भोजन है, वाइटामिन्स हैं, जैसे वाइटामिन सी है, वाइटामिन सी के साथ में जिंक है, वाइटामिन D3 है, आइवरमेक्टिन है, वाइटामिन के है, ये नियमित रूप से लेता रहेगा, और अपने किसी न किसी डॉक्टर के नियमित रूप से संपर्क में रहेगा, तो वो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ये कोविड तो एक बार ठीक तो हुआ है, लेकिन वो एकदम पूरा का पूरा शरीर से गया नहीं है, कई तरह की कमजोरियाँ दे करके जाता है, कई बार चक्कर आ जाते हैं, कई बार लो BP हो जाता है, कई बार जो कोविड के समय में जो दवाइयाँ ली गई थी उससे वो शुगर बढ़ जाती है, शुगर कोविड स्वयं भी बढ़ाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, BP बढ़ा करके जाता है। अच्छा, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कई सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित करता है, जिसको कह सकते हैं कि मल्टी ऑर्गन जो है अफेक्शन है वो उसका होता है, तो कई बार ये BP को शूटअप कर जाता है, शुगर को शूटअप कर जाता है, किडनी संबंधी समस्याएं कर जाता है, अगर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली तो ब्रेन में किसी प्रकार का डैमेज कर सकता है। तो अपना ऑक्सीजन लेवल नापते रहें, अपनी पल्स नापते रहें, टेम्परेचर नापते रहें, और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के टच में रहें, और वो जैसा जैसा आपको गाइड करते रहें उस अनुरूप व्यायाम से लेकर के हल्के हल्के व्यायाम से प्रारंभ करते करते उन व्यायाम को बढ़ाएं, और स्पेशली जो निर्जलीकरण है, विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन सबसे पहला और पानी दूसरा नंबर का, यानी निर्जलीकरण है, शरीर में किसी प्रकार का निर्जलीकरण नहीं आए तो जो नींबू की शिकंजी है, ORS है, घर में बनने वाले जितने भी प्रकार के पेय पदार्थ हैं उन सब चीज़ों को नियमित रूप से वो लेता रहेगा, तो वो व्यक्ति जो कोविड से निकल कर आया है वो आगे भी जा करके लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा। ठीक है, चलिए एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी क्या नाम है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, गुलाब चंद्रा का जी, गुलाब चंद जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप?
हाँ, इसमें कोविड में टेम्परेचर के लक्षण लग, हाँ हेलो जी गुलाबचंद जी, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से मुझे सुन पाएंगे। लक्षण में बुखार का टेम्परेचर कितना रहता है? ठीक है डॉक्टर निखिल, जी प्रमुख लक्षणों में बुखार बहुत मुख्य लक्षण है, इसीलिए हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि जब भी बुखार आ रहा है तो उसका नाप जरूर रखें। अपने घर पे पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर, ये दोनों चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत मॉनिटरिंग में आपको हेल्प मिलेगी, स्पेशली जब पेशेंट होम आइसोलेशन में है। टेम्परेचर जो है नियमित तौर पे हर 4 घंटे के अंदर पेशेंट का चेक करना चाहिए। ज़्यादातर जो वायरल इलनेस कोविड इलनेस के अंदर बुखार जो है, जो माइल्ड इलनेस होती है उसमें 100 से नीचे नीचे रहता है, बट अभी हम सेकेंड वेव में देख रहे हैं कि बहुत कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर अचानक से स्पेशली 4th-5th दिन बुखार बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो इसमें 102-103 तक भी जा रहा है। तो ये जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको हल्के में नहीं लें। अगर कभी भी आपको कंटिन्यूस बुखार रहता है जो आप पैरासीटामोल या डोलो की गोली से नहीं टूट पाता, पूरा नॉर्मल नहीं आ पाता, या फिर कभी भी लंबी बुखार के साथ में खांसी चलती है, तो ये अगर लक्षण आ रहे हैं पेशेंट को तो आपको बिल्कुल ज़रूर अपने नज़दीकी चिकित्सा कर्मी से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लक्षण है जो बहुत अर्ली हम पकड़ सकते हैं कि ये पेशेंट के अंदर डिप्रेशन। एक और जानकारी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि देखिए आजकल वायरल भी चल रहा है तो कई लोगों के मन में ये संशय भी है कि क्या उनमें कोरोना के लक्षण है या कोरोना उनमें है, तो मैं चाहूंगी आप ये भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आपातकाल के समय पे हम अपने घर पे कौन कौन सी दवाइयां रख सकते हैं कि इमरजेंसी अगर होती है तो हम इन दवाइयों को लेकर ठीक हो सके। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल क्योंकि इतने केस बर्डन बढ़ गया है कि आप कई बार घर पे ही होम आइसोलेशन की एडवाइस दी जाती है पेशेंट्स को, और किसी को घर पे हो गया उसके रिलेटिव्स को, तो आप बेसिक पैरासीटामोल की गोली या फिर जो डोलो के नाम से गोली आती है, क्रोसिन के नाम से गोली आती है बुखार तोड़ने के लिए जो गोली है, वो ज़रूर आपके पास घर पे होनी चाहिए। साथ में इम्यूनिटी, ये क्योंकि ये बीमारी इम्यूनिटी की है, तो कुछ दवाइयाँ हैं जो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं, जैसे विटामिन सी है, डॉक्टर साहब ने बताया, जिंक, विटामिन डी, तो ये टैबलेट्स अगर आप रखेंगे और नियमित तौर से अगर ज़रूरत पड़ती सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। रेयरली अगर आप किसी डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो कॉमनली आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो दवाइयाँ कॉमनली जो एम्स प्रोटोकॉल में 22 अप्रैल को ऑल इंडिया मेडिकल ने प्रिस्क्राइब करी है कि माइल्ड स्टेज के अंदर आप आइवरमेक्टिन या डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है, तो ये दवाइयाँ आप रख सकते हैं घर पे। और अगर किसी को कोविड के लक्षण आते हैं, कोविड पॉजिटिव आता है तो, और वो कोई परामर्श नहीं ले पा रहा, तो वो ये दवाइयाँ चालू कर सकता है, बट वो भी फिर भी मैं यही बोलूँगा कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए। ठीक है, चलिए अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी क्या नाम है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं बिश्नोई। जी जी, मेरा नाम चिमन बिश्नोई। जी चिमन जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से, जोशी जी और चौधरी साहब दोनों से पूछना चाहता हूँ कि वायरल बुखार है जिससे लोग गाँव में घबरा जाते हैं, हाँ, तो उनको टेस्ट में क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, और उसमें ठीक हो जाए तो इसमें कोरोना की जांच नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी या कराने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है डॉक्टर रमेश जोशी, मैं चाहूंगी कि आप इनके जवाब, इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी, ये जो कोरोना है वो भी वायरल बुखार है, और इससे मिलते जुलते और भी वायरल बुखार कई सारे, जब मौसम कभी तापमान ऊंचा नीचा होता है तब व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। मोटे तौर पर सभी का ट्रीटमेंट एक ही सा है शुरुआती तौर पे, तो अगर बुखार है तो बुखार की दवाई लें, अगर जुकाम या खांसी ज़्यादा है तो उसकी दवाई लें, अगर बदन दर्द होना है तो पैरास्टामोल उसमें भी काम आएगी। उसके बाद में निश्चित रूप से अपने किसी डॉक्टर से मिल करके, जब तक कि इस कोरोना काल में यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, यानी आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव नहीं बता रहा, तब तक उसे कोरोना मान करके ही चले हैं, क्योंकि ये इतना तेजी से फैलता है, इसका जो प्रसारण है वो बहुत तेजी से होता है। एक व्यक्ति अगर हमारे सामने पॉजिटिव है तो उसके पीछे कम से कम 30 लोग और हैं जो पॉजिटिव हैं, तो इन सब लोगों को बचाने के लिए आपका आरटीपीसीआर होना बहुत आवश्यक है। उसके साथ ही जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि घर में 2 इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो निश्चित रूप से रखने चाहिए, एक तो पल्स ऑक्सीमीटर है, एक थर्मामीटर है। टेम्परेचर नाप लें, उसका रिकॉर्ड रखें, हर 4 घंटे में नापते रहें,
इसी तरह से ऑक्सीजन है और सांस की जो गति है, इन सबको नापते रहें और रिकॉर्ड रख करके अपने चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि कोरोना जो है वो तीसरे दिन से पांचवें दिन के बीच में न्यूमोनिया कर देता है। अगर हमने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती और एक बार अगर न्यूमोनिया फेफड़ों के अंदर हो गया और उससे आगे फिर वो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में जाता है और जो खून है वो खून नलियों में जमने लगता है, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हम टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो स्टीरोइड होते हैं डेक्सामेथासोन हो, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो, वो देंगे। उसी के साथ में आपको और डैमेज नहीं हो इसके लिए ब्लड थिनर्स जिसको कहते हैं लो डोज वारफेरिन है या अन्य दवाइयां हैं वो दी जा सकती है। तो इनमें किसी भी बुखार को आज के ज़माने में कोरोना मान करके ही चलें जब तक कि आपका डॉक्टर या तो या आपका टेस्ट ये दो लोग नहीं कह दें कि आपको कोरोना नहीं है। बाकी आप अपने नियमित रूप से व्यायाम है, भोजन है, हाइड्रेशन है यानी बराबर 3.5 लीटर पानी पीते रहें, होम मेड जितने भी वैरायटी के लिक्विड्स हैं चाय दूध छाछ कॉफ़ी सूप वगैरह जो है ये गुनगुने लेते रहें, पानी को गर्म पानी पीते रहें, ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें और यथासंभव 7-8 फीट की दूरी रखेंगे, घर से बिना काम के बाहर नहीं निकलेंगे। समय पर अपना टीके का अगर टाइम आ गया है आप उस एज ग्रुप में हैं तो अपना टीका निश्चित रूप से अगर समय पर लगवा लेंगे, सेकंड डोज भी टाइम पे ले लेंगे, तो यही वो चीज है जो आपको आज के इस कठिन समय के अंदर बचा करके रखेगी। जी चलिए अगले कॉलर को भी ले लेते हैं सर, समय थोड़ा कम है लेकिन कॉलर्स के सवाल ज्यादा है। चलिए जी क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो जी सवाल पूछिए। उम्र है 65 साल, अब तो ना डायबिटीज है, इसे क्या करें? ठीक है डॉक्टर निखिल। तो पहले तो आपको कुशल स्वास्थ्य की कामना करूंगा। आप 65 साल के हैं, अस्थमा और डायबिटीज़ है, तो जो हम देखते हैं कि कोरोना के अंदर जो मृत्यु दर है जो सामान्यतः 1% से कम होती है, जब भी कोई साथ में इस तरीके के कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कुछ अन्य बीमारियां जो पेशेंट को पहले से हैं जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़, अस्थमा या COPD, हार्ट पेशेंट जो हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं या कोई और इम्यूनिटी सप्रेस करने की दवाइयां दे ले रहे हैं, तो ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेशेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वायरुलेंस जो होता है इस कोरोना वायरस का वो ज़्यादा होता है और ऐसे पेशेंट्स को जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है। तो राजस्थान सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन घोषित कर रखा है। मैं दरख्वास्त करूंगा इन सभी लोगों से जो 65 इयर्स के ज़्यादा हैं, साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो अपने घर पे रहें, बहुत कम और बहुत ज़रूरी ही अपने घर से बाहर निकलें। संपर्क जो है वो ये जो चेन है जो अभी जयपुर में रोज़ 4,500 पेशेंट कल पॉजिटिव आए, इसको अगर हमें तोड़ना है तो हमें अपने आप को संक्रमित होने से बचाना है और स्पेशली इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके फैमिली वालों को भी ये ध्यान रखना है कि वो भी कम निकलें बाहर और अपने पेरेंट्स के संपर्क में कम आएँ, बात ज़रूर करते रहें मगर जो फिजिकल कॉन्टैक्ट या सोशल वो कम करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। कोई भी बुखार आने पे, सर्दी जुखाम होने पे डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। जी डॉक्टर रमेश मैं चाहूंगी कि एक एडवाइस आप हमारे दर्शकों को ये भी दीजिए क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, आपके काम पे वो लगातार कर रहे हैं, तो क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? आपके घर पहुंचते ही किन सब चीजों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए कि आप उस चीजों को फॉलो कर सकते हैं? लोगों को कि चाहे वो घर हो या अपना कार्यस्थल हो, जो खिड़कियां हैं उन्हें खुली रखें, एग्जॉस्ट है उनको चलाते रहें ताकि जितना एरोसोल बनता है वो सारा एरोसोल, क्योंकि इतने सारे लोग काम करते हैं या घर में 4-5-6 सदस्य अगर औसत हैं तो वो एरोसोल खिड़कियों से बाहर निकलता रहे, एग्जॉस्ट नियमित रूप से चलता रहे और कमरों को बंद करके नहीं रखें, घुटन वाले जगह पर नहीं रहें, शाम को छत पे चले जाएं, खूब गहरे गहरे सांस लें, अपने फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाएं, खूब उन गहरे गहरे सांस लेने को हम कपालभाति, अनुलोम विलोम या कोई भी जो योगा है उसको भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यह है कि वो जो हवा है वो कमरों के अंदर बंद नहीं रहनी चाहिए। जहाँ अत्यधिक भीड़ भाड़ हो उस जगह जाने की
कोशिश नहीं करें, वहां से पूरा का पूरा बचने का पूरा प्रयास करें जब तक कि अति आवश्यक न हो जी, और खूब थोड़ा पानी पीते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें, इम्यूनिटी अपने आप की बढ़ाते रहें जी। चलिए डॉक्टर्स, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, तमाम जानकारी हम लोगों के साथ साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।